हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम करेंगे 10th क्लास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यानी इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है इनको पढ़ेंगे, प्रमुख मंदिर राजस्थान के, हवेलियां, स्थापत्य ये करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान के आरएएस तक का दे रहे हो, पटवार का दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई का, लेखपाल, वनपाल, ठीक है, किसी का भी दे रहे हो, जहां आपका राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, स्थापत्य, हवेलियों के बारे में ना पूछा गया हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कर ही रहे हैं। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी हो सके फटाफट से आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोगों को यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो दोबारा से स्टार्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इस चैप्टर के जो दो पेज हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया गया है तो ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो हम कहां से पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, आपके जानने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, इनको जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किए गए 6 दुर्ग कौन से हैं, आमेर महल, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का किला। याद रखना है, स्टेनो के पेपर में हाल ही में जो भी एक दो मंथ पहले हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपके 4 ऑप्शन थे, 4 में आमेर का महल, गागरोन, कुंभलगढ़ और एक और दिया गया था अलग से, कि इनमें से कौन सा राजस्थान के 6 दुर्गों में से नहीं है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो नहीं पूछा गया था। तो आपको इन सभी 6 के नाम याद रहेंगे जब भी आप उसका सही उत्तर दे पाते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर होता है एक दुर्ग में, अवैध बुर्ज होते हैं जिनको भेदा ना जा सके, किले के चारों तरफ गहरी खाई होती है या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार तहा सुरंग, किले के भीतर सिलह खाना यानी शास्त्रागार, जलाशय, पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। तो जैसा कि ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है, जब हम रामायण महाभारत देखते हैं तो वहां भी हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी कि कोई भी महल होता है, दुर्ग होता है, तो उसकी रक्षा के लिए प्राचीर बनाई गई, बुर्ज बनाए गए जिन्हें नहीं भेदा जा सके दुश्मनों के द्वारा, किले के चारों तरफ गहरी खाई होगी, गुप्त प्रवेश द्वार होंगे, है ना, और सुरंगें होंगी और शस्त्रों को रखने के जो आवास है वो होगा, जलाशय होंगे, पानी के टांके होंगे, सैनिकों को रहने के लिए आवास गृह होंगे, ये सभी एक दुर्ग की विशेषता होती है, ये वहां पर मिलते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, दुर्गों के प्रकार। अब ये भी आपको पता होने चाहिए कि दुर्ग भी कई प्रकार, कई टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के मुख्य महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, फर्स्ट है औदुक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। अब देखिए, जल दुर्ग नहीं आएगा, औदुक दुर्ग आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको याद रहने चाहिए जल दुर्ग को ही औदुक दुर्ग कहते हैं। ये दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ होता है, जैसे कि गागरोन का दुर्ग, इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, तो इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। तो गागरोन का दुर्ग जो है वह कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है। गिरी यानी कि पर्वत दुर्ग, किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, तो ज्यादातर जो दुर्ग हैं राजस्थान के यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गिरी हैं, तो यहाँ पर स्थित हैं ये दुर्ग। ठीक है, हम देखेंगे आगे चलकर, चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से
गिरी दुर्ग के अंतर्गत आने वाले दुर्ग हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानव दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर का दुर्ग मरुभूमि में बना हुआ है, रेगिस्तान में बना हुआ है, तो इसे धानव दुर्ग भी कहा जाता है। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि शिवाना का दुर्ग, क्योंकि इसके आसपास क्या है, जंगल है, वन है। एरन दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर से दुर्गम हो। ये क्या करते हैं, ये उस दुर्ग की सुरक्षा के लिए ही होते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालौर का दुर्ग। पारिक दुर्ग क्या होता है, पारिक यानी कि खाई, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, पारिक दुर्ग यानी पारिख, ख से याद रखना, खाई, ठीक है। और पारिद पारिद दुर्ग जो है जहां पर परकोटा होगा, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है। तो जैसलमेर का दुर्ग जो है वो धानव दुर्ग भी है, और इसके चारों तरफ जो है वो परकोटा है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। तो हम लोगों ने कितने टाइप पढ़े हैं दुर्गों के, सबसे पहले हमने देखा कि जल दुर्ग, गागरोन का दुर्ग जहाँ चारों तरफ पानी हो, गिरी दुर्ग ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ पर बना हो, मरुभूमि में बना दुर्ग धानव दुर्ग, और बीहड़ यानी वन में वन दुर्ग, एरन दुर्ग जहाँ कांटे, पत्थर, खाई हो, पारिक पारिक यानी खाई हो जिसके चारों तरफ, और पारिद दुर्ग जिसके दीवारों का परकोटा हो सुरक्षा के लिए, सैन्य दुर्ग जहां पर युद्ध की व्यूहरचना में सैनिक रहते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन जो है वह भी बनता है। सहाय दुर्ग में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग और एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वह पहाड़ यानी कि पर्वत पर है, ठीक है। वहां चारों तरफ क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। पारिक यानी खाई भी है, और एरन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकार में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, हमने दुर्गों के प्रकार देख लिए। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, सबसे फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्य काल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। तो देखिए ये क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो गढ़ है, गढ़ का अर्थ ही होता है किला, ठीक है। फिर भी हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ इसी में शामिल हो गया, चित्तौड़ का किला। तो ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इधर साइड में देखिए कि पानी भी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिए थे। तो यहाँ पर देखिए इसे पारिद दुर्ग भी कहते हैं, ये हमने देखा। वो क्या होते हैं, जहां पर कटीले पत्थर, ठीक है, ये चीजें जो है वह होती हैं। और इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहाड़ पर्वत जो है वो दिखाई देते हैं। चलिए मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद भी कहते हैं, इन्होंने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था, उसी का परिवर्तित नाम है चित्तौड़गढ़। तो क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया, कि मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य जो था, इन्होंने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था, ठीक है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक मान्य मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो सबसे पहले जब हमने गुहिल वंश पढ़ा था तो हमने देखा था बप्पा रावल शूरवीर थे, इन्होंने मान मौर्य को पराजित किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद। कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मैसा का पठार कहते हैं। यह किला जब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति प्रचलित है, क्या है, कि गढ़ तो चित्तौड़,
बाकी सब गड़ैया ने इसको प्रमुखता दी है चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है चित्तौड़गढ़, और सबसे प्रमुख भी है। यह दुर्ग जो है एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं, और यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। ठीक है, याद रखना है किलों का सिरमौर किस गढ़ को समझा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के तीन साके हुए, कौन कौन से? एक तो 1303 ईस्वी में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में, दूसरा जो हुआ है वो गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ 1534 में, तीसरा हुआ 1567 में अकबर के समय। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जैमल राठौड़ और फत्ता, सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। यानी चित्तौड़गढ़ का किला जिसमें तीन तो प्रसिद्ध साके हुए हैं, 1303 ईस्वी में एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1554 में बहादुर शाह के समय में, 1567 में अकबर के समय में, तो काफी जो है लोगों ने अपने यहाँ पर प्राण त्याग किए थे, बलिदान किया था, तो इसके लिए चित्तौड़गढ़ का किला जो है वह जाना जाता है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत विशाल बुर्जे, 7 अवैध प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा शर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मौर्य के तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखिए क्या क्या है। एक तो माता का मंदिर है, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, श्रृंगार चंवरी प्रसाद है, त्रिपोलिया दरवाजा है, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर और विजय स्तंभ है जो कुंभा ने बनवाया था, रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल महल है, ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो भी यहीं पर है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। तो जैसे चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग का उदाहरण है, वैसे ही कुंभलगढ़। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कहलाता है। तो ये पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो संकटकालीन राजधानी बन जाती है मेवाड़ की। ठीक है, इसे आश्रय स्थल कहा जाता है मेवाड़ की राज परिवार का। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है जो कि अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं, और कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एटस्कन वास्तु से की है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन, जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है। इन्होंने की है एट्रिस्कन वास्तु से। ठीक है, याद रखना है। दुर्ग के भीतर झाली बाग बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ इनकी छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक भी बने हुए हैं। यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और राणा प्रताप का जन्म भी हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कि कटारगढ़ कहा जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल क्या कहते हैं कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, ऐसे लगता है। और ये शब्द किसने कहे हैं? अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रणथंबोर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। अभी आप इसको पढ़ते जाइए, वैसे भी आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं इन चीजों को, फिर भी क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अभी आप नॉर्मल जो है मेरे साथ इसको पढ़ते जाइए। रणथंबोर दुर्ग ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। रणथंबोर दुर्ग जो है जो कि सवाई माधोपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? अजमेर के चौहान शासकों ने। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था।
रणथंभौर दुर्ग राणा हम्बीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है। क्यों? क्योंकि हमने 1301 का अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हमने देखा था, जो कि राणा हम्बीर के साथ हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल हैं। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने क्या लिखा है कि यह दुर्ग जो है वह बख्तरबंद है, ठीक है, क्योंकि यह एक तो पहाड़ों से घिरा हुआ है और दूसरा वनों से घिरा हुआ है, तो क्या है, यह बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी जो कि राणा हमीर ने बनवाई थी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। ठीक है, गणेश मंदिर के बारे में कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो याद रखना है, अबुल फजल ने सिर से पगड़ी गिर जाती है ये वाली लाइनें जो है वो किसके लिए कही थी, ये कही थी कुंभलगढ़ के लिए, और वहीं पर यह दुर्ग बख्तरबंद है ये लाइनें किसके लिए कही है, रणथंभौर के लिए। ठीक है, याद रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट देखिए, शिवाना दुर्ग, ये कहाँ है, बाड़मेर में। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित शिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलों शिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। शिवाणा दुर्ग की स्थापना किसने की, परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। तो आप लोगों ने पहले बिल्कुल पढ़ रखा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यहाँ के जो शासक थे प्रतापी राजा कानड़ देव, उनके बेटे वीरम देव, है ना, याद आया होगा आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग शिवाना के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, 1311 भी आ जाता है, जिसमें वीर सातल देव वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। शिवाना दुर्ग संकट काल में किसकी राजधानी, किसकी शरण स्थली बन जाती है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली बन जाती है। वही हमने देखा कुंभलगढ़ जो है वो मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली बन जाती है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। ठीक है, यहाँ पूछा जा सकता है किसने लिया था गिरी सुमेल के युद्ध में शिवाना दुर्ग में आसरा, तो लिया था राव मालदेव ने। चंद्रसेन ने शिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर राव चंद्रसेन ने शिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, मारवाड़ के चंद्रसेन, जिसकी तुलना किससे की गई है, महाराणा प्रताप से। अगला है तारागण का किला, जो कि बूंदी में है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागण का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे लगता है जैसे कि पर्वत की ऊंची चोटी पर धरती से क्या दिख रहा हो, आकाश के तारे दिख रहे हो, तो इसी से इसका नाम बन गया तारागढ़। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से जितने भी आक्रमण होते थे इनसे बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। तो तारागढ़ का किला जो कि बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था राव बरसिंह ने। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, तो वीर विनोद के अनुसार जो है वह महाराणा क्षेत्र सिंह जो है वो बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे, तो उनका पुत्र जो है वह महाराणा लाखा वो भी बूंदी जो है उसके जो दुर्ग है उसकी रक्षा नहीं कर सका, बूंदी पर अधिकार नहीं कर सका, तो उसने क्या किया, नकली दुर्ग बनवाया ताकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासन काल में चित्रशाला, याद आया होगा चित्रशाला, जो कि चित्र बनाने के आवास होते हैं,
बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप, ये सब बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने वाली बात यह है तारागढ़ दुर्ग में कि बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण जो है वह राव बरसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का किला। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। ठीक है, तो नाहरगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने। क्यों करवाया? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। किस किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? नाहरगढ़ के किले को, जो कि जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, उसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया, तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधव सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो नाहरगढ़ के किले में बस आप याद रखिएगा ये 3 बातें, और वो कौन कौन सी हैं? पहली बात तो नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में, निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने इस किले को। दूसरा, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी बात है कि नाहरगढ़ में सवाई माधव सिंह ने 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया। अगला है तारागढ़। हमने देखा बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो बरसिंह ने करवाया था। तो ये अजमेर में स्थित है जो तारागढ़, इसका निर्माण किसने करवाया? तो अजमेर का जो तारागढ़ है, इसका निर्माण जो है वो अजयपाल ने करवाया था। ठीक है, चलिए, अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीठली और अजय मेरू भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए इस तरीके से आ जाएगा कि तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ अजमेर में। तो इनमें से गढ़ बीटली या अजय मेरू दुर्ग किसे कहा जाता है? तो याद रखना है अजमेर में जो स्थित है तारागढ़, जिसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था, चौहान शासक जो अजयपाल थे उन्होंने, तो उसे कहते हैं गढ़ बीटली या अजय मेरू। शाहजहां के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ यहाँ के दुर्गा अध्यक्ष थे और संभव है कि इस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा होगा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। ठीक है, तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, घूंगड़ी, फुटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में तारागढ़ दुर्ग को, जो कि अजमेर में स्थित है, 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा, तो उनके मुंह से क्या निकला? उनके मुंह से निकला, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, किस दुर्ग को देखकर? तारागढ़ दुर्ग को, जो कि अजमेर में है। चलिए, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर में, यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को एक दो बार देखा करिए, जिससे कि आपको जो शब्द छूट जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर याद हो जाएं, और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जब वहां पर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।